एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन 3 फाइंड द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स हुज पेरिमीटर इज 21 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिया हुआ है, उसी दो ट्रायंगल का पेरिमीटर भी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। हमें ये फाइंड करना है, तो पहले जो ट्रायंगल है उसका साइड्स कितना होगा, दूसरा जो ट्रायंगल है उसका साइड्स कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी दो ट्रायंगल है उसको हमें कंसीडर करके लेना पड़ेगा। मान लो एक को हमने ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो दूसरे को हम आइसोसेलेस भी ले सकते हैं और हम चाहे तो इसको स्केलेन ट्रायंगल भी ले सकते हैं। मान लो पहले हमने लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए ए बी सी। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा, सभी साइड सेम होगा। तो अगर हमने कंसिडर कर लिया कि इस साइड का वैल्यू एक्स है, तो इस साइड का भी एक्स होगा, इस साइड का भी एक्स होगा, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। तो ये जो ट्रायंगल है, इस होल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका जो भी साइज होगा उसको फाइंड करने का तरीका बहुत ईजी होगा, हम ऐसे करेंगे। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब इसको इसको और इसको सभी को ऐड करके इक्वल टू 21 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 36 आएगा, 36 इक्वल टू 21 आएगा। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा, ये x है, x का वैल्यू मिलेगा 21/3, इससे ये कट जाएगा 7 टाइम्स। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 7, मतलब इस साइड में भी वैल्यू 7 होगा, इस साइड में भी 7 होगा, इस साइड में भी वैल्यू 7 होगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जब हम लेंगे, तो 21 सेंटीमीटर जब उसी ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा, तो एक साइड में वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऑल साइड्स में वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। तो इन द सेम वे हम और एक ट्रायंगल लेंगे, मान लो हमने लिया ये एक स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब सभी जो साइड्स है ये साइड सिमिलर नहीं है। तो ए बी सी, मान लो ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी होगा, बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी होगा। तो ये सभी साइड सेम नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस साइड को अगर x लेंगे तो इस साइड को हम लेंगे x प्लस 1 और इस साइड को हम लेंगे x प्लस 2। तो सभी में वैल्यू अलग अलग आएगा। तो अभी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये इसमें दो ट्रायंगल दिया है हुआ है, तो इसीलिए हमने पहला ट्रायंगल लिया इक्विलेटरल और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने स्केलेन ट्रायंगल। तो इसको जब ऐड करेंगे, ये जो x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, इस सभी वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, क्योंकि इस ट्रायंगल का भी पेरीमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इन सभी को जब ऐड करेंगे, x प्लस एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स होगा, ट्वाइस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 36 होगा। तो इसमें 1 और 2 है, मिला के 3 होगा। इस तरफ जब ले आएंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 21 से 3 सब्सट्रैक्ट होने के बाद 18 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 18/3, इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो 6 होगा। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 6। तो ये जो पहला आर्म है, मतलब पहली साइड है, इसका वैल्यू होगा 6 और इसमें 6 प्लस 1 होके वैल्यू रहेगा 7 और इसमें 6 प्लस 2 वैल्यू ऐड होके वैल्यू होगा 8, मतलब 6 7 8 आएगा। तो सभी का जो साइज है, साइज सिमिलर नहीं है, ये एक स्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट वी कंसीडर द फर्स्ट ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स वन साइड इक्वल टू x। सो x प्लस x प्लस x, इन सभी साइड्स को जब हम ऐड करेंगे, इक्वल टू कितना आएगा, 21 आएगा, मतलब पेरीमीटर आएगा। तो 36 इक्वल टू कितना आएगा, 21 आएगा। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे, x इक्वल टू 21/3, इससे ये कट जाएगा 7 टाइम्स। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 7। देयरफॉर द साइड्स आर, साइड्स कितना होगा, 7 7 एंड 7 होगा। ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है, ये हमने कंसिडर कर लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका एक साइड का वैल्यू अगर हम x कंसिडर करेंगे, तो बाकी साइड में क्या आएगा,
वही x होगा, तो सभी x को हम ऐड करेंगे, थ्री साइड का x, x प्लस एक्स इक्वल टू 21 होगा, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद 7 आएगा, तो बाकी साइड में वैल्यू ऐसे आएगा। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वी कंसीडर द अनदर ट्रायंगल इज ए स्केलन ट्रायंगल, देयरफॉर वन साइड, मतलब इसको हम वन साइड नहीं लिखेंगे, फर्स्ट साइड लिखेंगे, फर्स्ट साइड इक्वल टू हम एक्स कंसीडर करेंगे, सेकेंड साइड इक्वल टू हम एक्स प्लस वन कंसीडर करेंगे, एंड द थर्ड साइड इक्वल टू हम एक्स प्लस टू कंसीडर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे, x प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो x, x और x सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 3x आएगा, 3x प्लस 3 इक्वल टू 21 आएगा, ये जो 1 प्लस 2 है ये 3 होगा। तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इसको जब इधर लाएंगे तो 18 होगा, 18 को 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो 3 6 जा 18 आएगा, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 6। सो द फर्स्ट साइड इक्वल टू x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, एंड द सेकेंड साइड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1, सो x की जगह पर हम लिखेंगे 6 प्लस 1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, एंड द थर्ड साइड इक्वल टू हम लिखेंगे x प्लस 2, ये x प्लस 2 हमने कंसिडर किया था, तो x की जगह पर आएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा, 8 आएगा, यही होगा सभी साइड्स। तो जब हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे तो उसका साइड आएगा 7 7 7, और जब हम एक स्केलन ट्रायंगल लेंगे तो ये जो ट्रायंगल दिया था जिसका पेरीमीटर 21 है उसका साइड में वैल्यू कितना आएगा, पहले आएगा 6, एक साइड में 6 आएगा, दूसरा साइड में आएगा 7, और तीसरी साइड में आएगा 8, यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4, ओ इज ए पॉइंट दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू ब्रैकेट OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ABC, इसका एक इंटीरियर पॉइंट है ये, तो उसको ओ से हम डिनोट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ओ दिया है, तो उसको पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इसको ऐसे ऐड करेंगे, ये हो गया। तो अभी हमें दिखाना है कि टू ब्रैकेट ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, तो ऐसे दिखाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूक्लिड्स का जो थ्योरम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी उसको यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब OA प्लस OB इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, AB होगा। नेक्स्ट OB प्लस OC इज ग्रेटर देन क्या होगा, BC होगा। इन द सेम वे OA प्लस OC ग्रेटर देन क्या आएगा, AC आएगा। इधर हमने AB BC AC को इसीलिए रखा क्योंकि ये जो बाहर का साइड है इसका टोटल सम आएगा, टोटल सम का इक्वल हम पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए इसको हम इक्वेशन 1 करेंगे, इसको इक्वेशन 2 करेंगे, इसको इक्वेशन 3 करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी इक्वेशन को ऐड कर देंगे ऐसे। पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है उसको हम लिखेंगे OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OA प्लस OC, और ये ग्रेटर देन साइन इधर आएगा, तो हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC। तो OA और OA क्या बनेगा, 2 OA बनेगा, प्लस OB OB क्या बनेगा, 2 OB बनेगा, OC OC क्या बनेगा, 2 OC बनेगा, ग्रेटर देन AB BC एंड AC इक्वल टू क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ
perimeter of triangle ABC. तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है और इसमें भी टू है, तो एक टू को कॉमन लेंगे, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन क्या है आएगा, ब्रैकेट क्लोज, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये बन गया इसका आंसर। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन फोर का हम सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन फोर का सॉल्यूशन, इसके लिए हमें ये जो डायग्राम है डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे वी नो डेट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये जो थ्योरम है ये यूक्लिड्स ने दिया था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का थ्योरम है। वी नो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी से हमें क्या मिलेगा, ये जो थ्योरम है थ्योरम से हम लिखेंगे ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी, ये इक्वेशन वन होगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी होगा, ये इक्वेशन टू होगा। एंड ओ ए प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए सी होगा, ये इक्वेशन क्या बनेगा, थ्री बनेगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3, इक्वेशन सभी इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, इम्प्लाइज ओ ए प्लस ओ बी प्लस लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को ऐड करेंगे, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ ए प्लस ओ सी, ये जो ग्रेटर देन साइन है इसको लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो भी वैल्यू है हमने इधर लिख दिया है, तो इधर लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसमें से क्या होगा, ओ ए लिख सकते हैं हम, प्लस ओ बी टू ओ बी लिख सकते हैं हम, प्लस ओ सी एंड ओ सी, तो टू ओ सी हम लिख सकते हैं। तो इधर फिर से एक बार इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें से हम टू को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ब्रैकेट क्लोज, ये ग्रेटर देन होगा। ये क्या है, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी का जो पेरीमीटर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू ए बी होगा प्लस बी सी होगा प्लस ए सी होगा। तो ए बी बी सी ए सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इधर हम लिखेंगे प्रूव्ड। तो जो स्टेटमेंट हमको दिया था वो सही है, तो ऐसे इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन फाइव, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर डी, से व्हिच इज बिगर 3D और द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिमिलर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी एक इंटीरियर पॉइंट था और इस क्वेश्चन में भी एक इंटीरियर पॉइंट है, और इसी तरह ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही इजी होगा। लेकिन इसमें डायमीटर दिया है, सो डायमीटर दिया है थोड़ा अलग होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, गिवन पहले हम लिखेंगे गिवन डायमीटर इक्वल टू क्या दिया है, डी दिया है, therefore हम लिखेंगे radius equal to क्या होगा, diameter by 2 होगा।
तो इसके लिए हम और एक कंडीशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो ओ ए है, ओ और ए ये एक रेडियस है, ओ ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई टू लिख सकते हैं, जहाँ भी मिलेगा ये सब वैल्यू हम डी बाई टू लिख सकते हैं। तो फ्रॉम द ट्रायंगल हम लिखेंगे, ये जो ट्रायंगल दिया है ट्रायंगल से लिखेंगे हम, फ्रॉम द ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमने लिखा है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये जो यूक्लिड्स का जो थ्योरम है वही थ्योरम है ये। तो इधर हम लिखेंगे ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी होगा, ये इक्वेशन वन लिखेंगे हम। नेक्स्ट ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन क्या आएगा, बी सी आएगा, ये इक्वेशन टू होगा। इन द सेम वे हम लिखेंगे ओ ए ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन क्या होगा, ए सी होगा, ये इक्वेशन थ्री आएगा। तो क्वेश्चन टू से लगभग सिमिलर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन को ऐड कर दें, वन प्लस टू प्लस थ्री, इक्वेशन सभी इक्वेशन का जब हम ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू अलग आएगा। तो इसका इम्प्लाइज क्या मिलेगा, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है पहले हम इसको ऐड करेंगे, प्लस ओ ए प्लस ओ सी, अभी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमने ऐड कर दिया है, अभी हम लिखेंगे ये ग्रेटर देन साइन, उसके बाद हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ओ ए और इधर ओ ए, तो इधर हम लिख सकते हैं टू ओ ए प्लस ओ बी, ओ बी हम लिख सकते हैं ये ओ बी है, टू ओ बी लिख सकते हैं, प्लस इधर टू ओ सी लिख सकते हैं हम, और इधर जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम ऐसे ही लिखेंगे, ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अभी हम क्या करेंगे, ये जो टू टू मल्टीप्लाई हो रहा है ओ ए के साथ, तो ओ ए की इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, इंटू डी बाई टू हम लिख सकते हैं। इन द सेम वे प्लस टू इंटू ये जो ओ बी है, ओ की ओ बी की जगह पर हम डी बाई टू लिख सकते हैं, और प्लस ये जो टू ओ सी है, टू इंटू हम डी बाई टू लिख सकते हैं, ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इस टू के साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो बाकी क्या बचा, डी डी एंड डी, ये जो डी है डी को जब हम ऐड करेंगे क्योंकि इसकी अंदर में प्लस साइन है, तो क्या आएगा, थ्री डी आएगा, थ्री डी इज ग्रेटर देन, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी है, तो हम इधर लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर हम इधर लिख सकते हैं थ्री डी इज बिगर, बिगर देन पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही होगा इसका आंसर।